Hello friends, how are you all? Hope you all are well. So friends, today's explanation video is going to be on the film Shaitaan, which is recently released in 2024. So without any delay, let's start the explanation of the movie. फिल्म की शुरुआत होती है और हम कबीर को देखते हैं जो अपने बेटे ध्रुव के साथ अपनी बेटी जानवी को कॉलेज से लेने आया होता है। फिर जानवी को लेकर जब दोनों घर आ रहे होते हैं तो जानवी अपने पापा को बताती है कि वो अपने दोस्तों के साथ लद्दाख जाने वाली है, लेकिन कबीर जानवी को लद्दाख जाने की परमिशन नहीं देता। फिर जब वो घर पहुँचते हैं तो जानवी फिर से अपने पापा को लद्दाख जाने वाली बात बताती है, तो इस बार कबीर जानवी को लद्दाख जाने के लिए हाँ कह देता है। ये सुनकर जानवी काफ़ी खुश हो जाती है। फिर इसके बाद वो सब अपने फार्म हाउस जाने को निकलते हैं क्योंकि जानवी और ध्रुव की छुट्टियां पड़ गई थी। अब रास्ते में वो सभी खाना खाने के लिए एक ढाबे पर रुकते हैं। उस ढाबे पर जो वो पराठा लेते हैं उसमें काफ़ी बटर होता है, इसलिए जानवी उस पराठे को खाने से मना करती है। अब कबीर जिस वक्त चाय लेने जाता है तो उसके पास कैश नहीं होता और ना ही वहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा होती है। तभी वहाँ पर प्रकाश नाम का आदमी कबीर और उसकी फैमिली के लिए चाय अपने पैसों से लेकर आता है। ये देखकर कबीर प्रकाश को थैंक्स बोलता है और अपने साथ ज्वाइन होने के लिए कहता है। फिर प्रकाश उन्हें ज्वाइन करके उनके साथ चाय पीने लगता है। अब प्रकाश देखता है कि जानवी पराठा नहीं खा रही, इसलिए वो उसे एक लड्डू खाने को देता है। अब जानवी जब उस लड्डू को खाती है तो उसे बहुत अजीब सा फील होने लगता है। इसके बाद प्रकाश जानवी से कहता है कि ये पराठा खा लो। ये सुनते ही जानवी उस पराठे को खाने लगती है। अब जानवी को देखकर उसके पेरेंट्स दोनों बहुत हैरान होते हैं क्योंकि जानवी बटर वाला पराठा खाती नहीं है, लेकिन वो इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। फिर जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो प्रकाश जानवी के पास आता है और उसे एक बिस्किट देता है और कहता है कि फार्म हाउस पहुँचते ही इस बिस्किट को खा लेना। अब जैसे ही वो लोग फार्म हाउस पहुँचते हैं तो जानवी उस बिस्किट को पूरा खा लेती है। फिर पूरी फैमिली स्विमिंग पूल में काफ़ी मस्ती करती है। अब जानवी की माँ ज्योति जब ड्रेस चेंज करने के बाद छत में आती है तो वो देखती है कि उसके गेट पर प्रकाश आया होता है। इसके बाद वो नीचे आकर कबीर को इस बारे में बताती है और कबीर को ये भी कहती है कि प्रकाश को हमारे फार्म हाउस का पता कैसे चला। ये सुनकर कबीर भी काफ़ी हैरान होता है। फिर कबीर जब प्रकाश के पास जाता है तो प्रकाश उसे बताता है कि मेरे फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई है, इसलिए अगर वो उसके फ़ोन को कुछ देर चार्ज करने देंगे तो उसके ऊपर काफ़ी मेहरबानी होगी। ये सुनकर कबीर उसका फ़ोन चार्ज करने के लिए मान जाता है और तब तक वो उसे ड्राइंग रूम में बैठने को कहता है। फिर कुछ देर बाद प्रकाश ज्योति को चाय बनाने के लिए कहता है, जिसके बाद ज्योति उसे चाय देती है। फिर चाय पीते वक्त प्रकाश टेबल के ऊपर अपने पैर रखता है। ये देखकर ज्योति को बहुत ख़राब लगता है और वो अपने रूम में आकर कबीर से कहती है कि वो जल्दी से प्रकाश को यहाँ से बाहर निकाले, तो कबीर कहता है उसका फ़ोन चार्ज होते ही वो उसे यहाँ से निकाल देगा। दूसरी तरफ जानवी वही सब कर रही होती है जो प्रकाश उसे करने को कह रहा होता है। अब प्रकाश जानवी से बात करके उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में सब कुछ जान लेता है। अब जिस वक्त प्रकाश जानवी से बात कर रहा होता है तो उस दौरान ध्रुव जानवी को बार बार अपने साथ खेलने के लिए बुला रहा होता है। ये देखकर प्रकाश जानवी से कहता है कि अपने भाई के साथ इतना खेलो कि आज के बाद से उसका खेलने का मन ही ना करे। इसके बाद जानवी ध्रुव को बहुत खतरनाक तरीके से झूला झुलाने लगती है। ये देखकर ध्रुव डर के मारे चिल्लाने लगता है। ध्रुव की आवाज़ सुनकर उसके पेरेंट्स बाहर आते हैं और फिर वो जानवी को रोकते हैं और उसे बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि उसे इस तरह से अपने भाई को झूला नहीं झुलाना चाहिए था। अब जानवी को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर जिस वक्त वो सभी खाना खा रहे होते हैं तो उस दौरान प्रकाश कबीर और ज्योति से कहता है कि वो दोनों अपनी बेटी को उसे दान करें। ये सुनकर दोनों बहुत हैरान होते हैं और फिर वो प्रकाश को उनके घर से जाने को कहते हैं। ये सुनकर प्रकाश हंसते हुए कहता है कि वो उनके घर से कहीं नहीं जाने वाला। फिर वो आगे कहता है कि उनकी बेटी जानवी उसके वश में है और फिर उन्हें यकीन दिलाने के लिए वो जानवी से कहता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करे और उससे कहे कि वो उसके साथ लद्दाख नहीं जाना चाहती और वो उससे ब्रेकअप कर रही है। ये सुनकर जानवी वैसा ही करती है। फिर कबीर जब प्रकाश को घर से बाहर निकाल रहा होता है तो जानवी कबीर को रोकती है और फिर अपने पापा को धक्का देकर पीछे करती है और कहती है कि ये यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ये देखकर कबीर और ज्योति समझ जाते हैं कि प्रकाश ने जानवी के ऊपर ब्लैक मैजिक करके उसे अपने कब्जे में कर लिया है। अब कबीर प्रकाश से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और उसे क्या चाहिए, तो प्रकाश कबीर से कहता है कि वो बस यहाँ से जानवी को अपने साथ ले जाना चाहता है और वो भी उनकी मर्जी के साथ। ये सुनकर कबीर और ज्योति प्रकाश से कहते हैं कि वो उसे अपनी बेटी नहीं ले जाने देंगे। फिर प्रकाश जो भी कहता है वो सब जानवी करने लगती है। फिर वो उसे चाय पत्ती खाने को कहता है। अब ज्योति चाय के पैकेट को खोलकर उसे खाने लगती है।
जबकि उसे चाय की स्मेल तक पसंद नहीं थी। ये देखकर कबीर और ज्योति बहुत डर जाते हैं और अपनी बेटी को रोकते हैं। फिर प्रकाश जाह्नवी को उसके पैर दबाने के लिए कहता है। अब जिस वक्त जाह्नवी प्रकाश के पैर दबा रही होती है, तो प्रकाश कबीर और ज्योति से कहता है कि अगर आप अपनी बेटी मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी फैमिली को इतना टॉर्चर करूँगा कि तुम सह नहीं पाओगे। फिर वो ये बोलकर जाह्नवी को लात मारता है कि वो उसके पैर ठीक से नहीं दबा रही। ये देखकर कबीर को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रकाश को पीटने लगता है। फिर प्रकाश जाह्नवी से कहता है कि तुम अपने भाई का सर फोड़ दो। इसके बाद जाह्नवी ध्रुव को पकड़कर उसका सर रेलिंग से लगाती है, जिससे ध्रुव नीचे गिर जाता है और उसके सर से बहुत खून बहने लगता है। ये देखकर प्रकाश और ज्योति बहुत डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो किसी की मदद भी नहीं ले सकते थे क्योंकि प्रकाश ने जाह्नवी से बोलकर सबके फ़ोन तुड़वा दिए थे। अब क्योंकि ध्रुव के सर से बहुत खून बह रहा होता है, इसलिए कबीर उसे अस्पताल लेकर जाना चाहता था, लेकिन प्रकाश ये कहता है कि जब तक वो जाह्नवी को उसे दान नहीं कर देते तब तक वो कहीं नहीं जा सकते। फिर कबीर और जाह्नवी ध्रुव को कमरे में ले जाते हैं और खून को रोकने की कोशिश करते हैं। अब प्रकाश जाह्नवी से कहता है कि मैं कुछ देर सो रहा हूँ, अगर कोई भी मेरे नज़दीक आए तो उसे चाकू से मार देना। इसके बाद प्रकाश हो जाता है और जाह्नवी उसे प्रोटेक्ट करने लगती है। फिर कुछ देर बाद कबीर प्रकाश से कहता है कि वो उसे बहुत सारे पैसे और ज्वेलरी देगा और यहाँ तक कि अपना घर भी उसके नाम कर देगा अगर वो उसकी बेटी को छोड़ दे। इसके बाद प्रकाश मान जाता है। फिर कबीर प्रकाश को एक बैग में बहुत सारे पैसे और ज्वेलरी देता है। फिर प्रकाश उसे लेकर घर से चला जाता है। अब कबीर और ज्योति जब जाह्नवी से बात करते हैं तो वो अभी भी प्रकाश के ही वश में थी। इसके बाद जब दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि प्रकाश ने पैसे और ज्वेलरी से भरा बैग जला दिया है। ये देखकर कबीर और ज्योति बहुत डर जाते हैं। अब प्रकाश उनसे कहता है कि पैसों का लालच इंसानों को होता है, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं उससे काफ़ी आगे बढ़ चुका हूँ, उसे सिर्फ ऐसी ताकत चाहिए जिससे वो पूरी दुनिया को अपने वश में कर सके। और आज वो रात है जो हजारों साल में आई है, आज उसे वो ताकत मिलने वाली है, लेकिन इसके लिए उसे जाह्नवी को अपने साथ ले जाना होगा, तभी उसे वो ताकत मिल पाएगी। इसलिए वो जाह्नवी को किसी भी कीमत पर लेकर जाना चाहता है, लेकिन कबीर और ज्योति उसकी बात नहीं मानते। अब ज्योति के पास जो दूसरा मोबाइल था उससे उसने पुलिस को कॉल किया था, जिसकी वजह से पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं और वो डोरबेल बजाते हैं। फिर कबीर जाह्नवी से कहता है कि गैस सिलेंडर को ऑन करके उसके ऊपर बैठ जाओ और अगर तुम्हारे पेरेंट्स पुलिस को कुछ भी बताएं तो आग जला देना। जिस वजह से कबीर और ज्योति पुलिस को कुछ नहीं बताते और वो पुलिस से कहते हैं कि उनके घर में सब ठीक है और शायद उनके बच्चों ने गलती से उन्हें कॉल कर दिया होगा। ये सुनकर पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद प्रकाश फिर से कबीर और ज्योति को जाह्नवी को ले जाने की परमिशन देने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग तैयार नहीं होते। फिर प्रकाश जाह्नवी से कहता है कि वो अपने भाई को चाकू से मार दे। ये सुनकर जाह्नवी ध्रुव को मारने के लिए जाती है। कबीर और ज्योति उसे रोकने की कोशिश करते हैं। फिर कुछ देर के लिए वो ठीक हो जाती है और वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, नहीं तो वो मुझे ले जाएगा। और फिर वो चुपके से उन्हें एक कमरे में बंद कर देती है और फिर वो ध्रुव को पूरे घर में ढूंढने लगती है, लेकिन उसे ध्रुव नहीं मिल रहा होता है। फिर जब वो टेरेस पर जाती है तो टेरेस का दरवाज़ा बंद होता है। फिर वो दरवाजे को तोड़कर टेरेस पर जाती है तो ध्रुव वहाँ छिपा होता है। फिर वो ध्रुव को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। तभी कबीर और ज्योति दरवाजे का लॉक तोड़ देते हैं और बाहर आ जाते हैं और फिर वो टेरेस पर आकर जाह्नवी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाह्नवी कबीर के हाथ पर चाकू से हमला करती है, जिससे चाकू कबीर के हाथ में ही फंस जाता है। और फिर जाह्नवी ध्रुव को टेरेस से नीचे फेंक देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसका काफ़ी खून बहने लगता है। ये देखकर कबीर और ज्योति बहुत डर जाते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि उनके बेटे की जान चली गई, लेकिन फिर कुछ देर बाद ध्रुव को होश आता है। ये देखकर कबीर और ज्योति को सुकून मिलता है। फिर वो दोनों रोते हुए प्रकाश को इजाज़त दे देते हैं कि वो जाह्नवी को ले जा सकता है। ये सुनकर प्रकाश बहुत खुश होता है और वो जाह्नवी को अपने साथ ले जाता है। फिर जब कबीर और ज्योति ध्रुव को अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी में बिठाते हैं तो ध्रुव कबीर से कहता है कि प्लीज़ मेरी दीदी को वापस ला दो। फिर कबीर ज्योति से कहता है कि वो ध्रुव को अस्पताल लेकर जाए। फिर ज्योति ध्रुव को अस्पताल लेकर जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब प्रकाश ने अपना मोबाइल चार्ज पर लगाया था तो उस वक्त कबीर ने उसके फ़ोन का लाइव लोकेशन ऑन कर दिया था और फिर उसने उस लाइव लोकेशन को अपने दूसरे फ़ोन पर शेयर कर दिया था ताकि उसे पता चल सके कि प्रकाश कहाँ है। अब फिर से कहानी प्रेजेंट में आती है। कबीर उस लाइव लोकेशन के जरिए मैप को फॉलो करते हुए प्रकाश तक पहुँच जाता है, जहाँ बहुत सारी लड़कियाँ होती है। प्रकाश ने जाह्नवी की तरह इन सभी लड़कियों को भी अपने वश में किया होता है और आज रात वो एक पूजा करने वाला था
जिसमें वो उन सभी लड़कियों को आग में जलाकर उनकी बलि चढ़ाने वाला था, ताकि उसके पास इतनी ताकत आ जाए कि वो अपनी आँखों से ही सबको कंट्रोल कर सके। तभी वो कबीर को वहाँ देखता है, फिर वो लड़कियों से कबीर को उसके पास लाने को कहता है। इसके बाद वो लड़कियाँ उसे प्रकाश के पास लेकर आती है। फिर प्रकाश कबीर से कहता है कि ये सारी लड़कियाँ उसके वश में हैं और उसने इन लड़कियों से कहा हुआ है कि अगर उसे कोई भी हाथ लगाए तो वो उसे नोच कर खा जाए। ये बोलकर वो अपनी पूजा फिर से शुरू कर देता है। अब इसी दौरान कबीर प्रकाश के पैर पर हमला करता है, जिससे प्रकाश नीचे गिर जाता है और फिर जो चाकू कबीर के हाथ में घुसा हुआ था उससे वो प्रकाश की जुबान काट देता है, ताकि प्रकाश फिर से किसी को भी बोलकर अपने वश में न कर सके। इसके बाद सभी लड़कियां कबीर पर हमला करने के लिए आती है, लेकिन फिर तभी कबीर एक रिकॉर्डिंग ऑन करता है जिसमें प्रकाश की आवाज़ होती है और उसमें वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद करता हूँ और तुम पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ। इस रिकॉर्डिंग को सुनने से सभी लड़कियां धीरे धीरे ठीक होने लगती है और वो प्रकाश के वश से बाहर आकर फिर से नॉर्मल हो जाती है। अब कबीर देखता है कि उसकी बेटी जानवी भी पहले की तरह नॉर्मल हो गई है। ये देखकर कबीर खुशी से रोने लगता है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब जानवी ने ध्रुव का सर पटका था और कबीर उसे कमरे में लेकर गया था, तो ध्रुव ने कबीर से कहा था जानवी वही सब कर रही है जो प्रकाश उसे करने को कह रहा है, इसलिए अगर वो प्रकाश की कोई ऐसी आवाज़ उसे सुना दे जिसमें वो उसे नॉर्मल होने के लिए कह रहा हो तो शायद जानवी ठीक हो सकती है। ये सुनकर कबीर को एक आइडिया आया और उसने एक रिकॉर्डिंग डिवाइस अपने पास रख ली। फिर जिस वक्त प्रकाश कबीर से कह रहा था कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेटी को फिर से नॉर्मल कर दूँ, इस लाइन को उसने रिकॉर्ड कर लिया था और फिर उस रिकॉर्डिंग को यूज़ करके उसने सभी लड़कियों को प्रकाश के वश से बाहर निकाल दिया था। अब हम कबीर और ध्रुव को अस्पताल में देखते हैं जहाँ पर ज्योति और जानवी भी होते हैं। अब पुलिस ऑफिसर कबीर के पास आती है और उसे थैंक्स बोलती है उन लड़कियों को ढूंढने के लिए, क्योंकि उन सभी लड़कियों को पुलिस बहुत लंबे समय से ढूंढ रही थी लेकिन वो उन्हें नहीं मिल रही थी और अब उन्हें लगने लगा था कि शायद वो लड़कियाँ अब इस दुनिया में नहीं हैं। फिर वो आगे बताती है कि उन सभी लड़कियों को उनके घर तक पहुँचा दिया गया है। फिर कबीर पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि प्रकाश कहाँ है, तो पुलिस ऑफिसर बताती है कि वो फरार है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। फिर एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि कबीर ने प्रकाश को कैद किया होता है। कबीर मरा हुआ चूहा और चाय पत्ती लेकर आता है। फिर वो प्रकाश से कहता है कि तुम भगवान बनना चाहते थे और मैं एक साधारण इंसान हूँ, लेकिन जब एक साधारण इंसान बाप बनता है तो वो अपने बच्चों के लिए भगवान बन जाता है। फिर वो आगे कहता है कि तुम ये सब ताकत के लिए कर रहे थे ना, ताकत का अगर असली मतलब समझना है तो कभी किसी माँ को अपने बच्चों के लिए लड़ते हुए देखना। इस पूरे ब्रह्मांड में एक माँ से ज़्यादा ताकतवर भगवान और कोई नहीं है। ये बोलकर कबीर उसे मरा हुआ चूहा और चाय पत्ती खाने को देता है और वहाँ से चला जाता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।